अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं स्क्रीन पे, यूट्यूब पे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और हिट बटन लाइक करना ना भूलें। आप सभी जानते हैं कि आज 14 नवंबर है और मैं अपने बच्चों को सरप्राइज़ देना चाहती हूँ ऑन अ चिल्ड्रंस डे। सो मैं सोच रही हूँ कि उनके लिए क्यों ना क्रिस्पी और चिकन विंग्स बना जाए। चिकन विंग्स तो हर किसी का फेवरेट होता है, बच्चों का ही नहीं, हर एज के लोग खाते हैं, राइट? सो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इनको सरप्राइज दिया जाए बाय मेकिंग देम क्रिस्पी और चिकन विंग्स। माय वर्जन तो मैं, हाँ इसके साथ, हाँ यस यू आर राइट। सो मैं ये रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करूँगी डेफिनेटली, तो स्टे ट्यून्ड। तो मैंने चिकन को धो धा के है ना इस तरह से, लेकिन यहाँ के एजेस काट दिए हैं, ये देखिए ये वाले एजेस मैंने काट दिए हैं, ओके। सो मैंने सारी चिकन को इस तरह से धो लिया है, क्लीन एवरीथिंग, और इनमें अभी इनको कट मार दूँगी बिल्कुल इस तरह, ये देखिए इस तरह से। ये 1 किलो चिकन विंग्स हैं, तो इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। ये देखिए मैंने सब में कट मार लिए हैं इस तरह से। आई ऐड ऑन द सॉल्ट, आपके हिसाब से आप नमक डालें। ये हो गया नमक, नमक डाल के मैं एक्चुअली 5-10 मिनट्स इसको मैरिनेट करती हूँ, ताकि चिकन में सारा है ना जो नमक जो है ना वो अच्छे से लग जाए इस तरह। कीप दिस फॉर 5 मिनट्स। मैं बैंगलोर से हूँ तो आई प्रिफर एडिंग लिटिल बिट ऑफ कलर टू इट। रेड फूड कलर, थोड़ा सा चिल्ली पाउडर, आई ऑलवेज से कि मेरा ज़्यादा होता है तीखा, तो आप जो भी यूज़ करते हैं आपके हिसाब से आप डालेगा। सिंस ये 1 kg चिकन है, तो आई एम एडिंग 2 tablespoons ऑफ कॉर्नफ्लावर। वन टेबल स्पून ऑफ राइस फ्लावर, तो टोटल हुआ 2 tablespoons ऑफ कॉर्नफ्लावर और 1 tablespoon ऑफ राइस फ्लावर। आई एम अगेन यूजिंग द सीक्रेट रेसिपी ऑफ द क्रिस्पी मसालेदार विंग्स, द पंसारी मसाला, जो मैं इंडिया से लाती हूँ अक्सर। अगर आप बैंगलोर में हैं, बैंगलोर से मुझे देख रहे हैं, तो यू कैन यूज़ द पंसारी चिकन मसाला, ये ड्राइड मसाला होता है। आई एम एडिंग 2 tablespoons, ये 1 kg है, तो मे बी अ लिटल मोर बिकॉज ये मैं बैंगलोर से लाती हूँ। इसमें होता है, लेट मी शो यू, इसमें होता है कसूरी मेथी, कसूरी मेथी होती है ड्राई, और कुछ मसाले होते हैं जो इतने लजीज बनते हैं अपने चिकन विंग्स, जस्ट अनएक्सप्लेनेबल। सो दिस इज़ इट गाइस, ओनली दीज वेरी मिनिमल इंग्रेडिएंट्स विल मेक योर डे। तो इस तरह से मिक्स करना होता है, थोड़ा सा पानी डाल के, ये देखिए मैं मिक्स करके दिखाती हूँ, जस्ट लाइक दिस। मैं हैंड यूज़ नहीं कर रही हूँ बिकॉज हाथ में है ना स्टेन्स आ जाते हैं जो कलर मैंने डाला है। सो समटाइम्स आई यूज फोक और समटाइम्स द स्पून, इस तरह से। थोड़ा सा मैंने पानी डाला है ताकि मसाला इसको अच्छे से लग जाए। इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट भी, मैंने डाले हैं 2 tablespoons, सिंस ये 1 kg है। गिव इट अ मिक्स 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 इस तरह, 1 hour to 2 hours, 1 से 2 घंटे इसको मैरिनेट करना है, फिर हम इसको एयर फ्रायर में बनाएंगे। ऑलराइट, दैट्स अनदर ट्विस्ट। हाँ, मैं इसको एयर फ्रायर में बना रही हूँ आप सभी के साथ, यू कैन सी इट व्हेन आई एम लाइक यू नो मेकिंग दिस, थैंक यू। तो ये है मेरा एयर फ्रायर न्यूट्रीकुक, मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ किस तरह होता है। हाँ जी, ये मेरा एयर फ्रायर का ट्रे है, इसको इस तरह से ढके दें और इसका लाइक यू नो
इस तरह से बास्केट होता है ये देखिए, ताकि इसका सारा तेल है ना इसमें आ जाता है एक्सेस ऑयल। और इसमें मैं अभी डालूंगी बटर पेपर, देखिए इस तरह से प्लेस करूंगी लाइक दिस, ताकि जो मैं चिकन विंग्स बनाऊंगी ना इसको अरेंज करूंगी यहाँ पे, एंड देन जो भी एक्सेस ऑयल है वो इस पेपर से सोक कर लेगा। तो ये रही अपनी मैरिनेटेड चिकन, रखते हैं अपने ट्रे में, एयर फ्राई ट्रे में। इस तरह से मैं अरेंज करूंगी वन बाय वन, रोज़ में आप इसको अरेंज करें इस तरह। इसमें हमें इस तरह से ऑयल है ना स्प्रिंकल करना है, कुकिंग ऑयल। इसमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत बिल्कुल नहीं लगती है, देखिए दैट्स इट। मैं डालूंगी इसको ट्रे में बिल्कुल इस तरह, ये ऑन हुआ है, अभी इसको पावर ऑन करते हैं। एंड देन देर आर ऑप्शंस हियर, यू कैन सी चिकन, बर्गर, हॉट डॉग्स, समोसा, फिश एंड पिज्ज़ा एंड ब्रोकली एंड बेकिंग के लिए। वैसे मैंने बेकिंग के लिए ट्राई नहीं किया है, बट चिकन वगैरह बना लेती। तो हम सेट करते हैं चिकन ऑप्शन, इट्स फॉर 190 डिग्रीज एंड 25 मिनट्स, सो लेट्स स्टार्ट। तो मिलते हैं हम जब तक ये बेक होते हैं, ग्रिल होते हैं, हम वापस मिलते हैं। ये अभी इसमें है ना बीब आई थी, क्योंकि हमें शेक करना है, मतलब टर्न करना है। लेट्स चेक इट आउट, वाओ, मैं इसको अभी टर्न कर देती हूँ। They are really hot. I'll use a fork. ये देखिए मैंने इन सबको टर्न कर दिया है, सो लेट्स पुट इट बैक। तो ये वापस रिज्यूम कर लेता है, 13 मोर मिनट्स टू फिनिश। ये मुझे इसका ख़ास बात ये लगी कि इसमें है ना बीप है, जो हमें कहता है कि उसको टर्न करो, जो भी हमने मीट रखा है, चिकन जो भी रखा है ना, तो उसको बोलता है कि ये टर्न करो। That's the best thing I liked about it. और इसमें तेल इतना कम लगता है कि I just can't tell you how wonderful piece this is. ये बीप आ गया है, ये देखो ये बटन देख रहे हैं आप, स्विच, ये ऑन है, मतलब it's completely done. So let's just open. इस तरह से खोलना है, wow, amazing. और सारा ऑयल चला गया है, can you see the masalas, everything has dried up. Wow. And the wings are ready. ये रहा इसका final look. मेरे बच्चे आ गए हैं. Assalamualaikum. Hi mom. Salam. Happy Children's Day. Welcome. Thank you. Thank you. Look, I'm class leader. Wow, you're a class leader. Oh my goodness. Many, many congratulations. See, you got a great gift on Children's Day. Thank you. Fantastic. Come on, baby. Hi. Assalamualaikum. How are you today? Good. Hello. Hello. Assalamualaikum. Waalaikum assalam. I finally got the walking pass today. Oh. Thank you. And how about you, Danish? Very nice. You liked it? You, Rauda? Yum. Really? Yeah, I love it. Wow. Thank you. Thank you, Mama. Bye. Thank you, Mama. Bye. Thanks. मेरे बच्चों से मुझे रिव्यू मिल गया है. They all love the chicken wings, the one which I made. So yum, yeah, mom. Wow, I love Thank you very much. Chicken, wow, mom. Wow. ये था आज का व्लॉग, उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आया है ये छोटा सा क्यूट सा व्लॉग जो मैंने मेरे बच्चों के लिए स्पेशल बनाने के लिए बनाया है ऑन चिल्ड्रंस डे। सो तो ज़रूर मुझे बताना कि आपको मेरी चिकन विंग्स रेसिपी, क्रिस्प रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच, मैं लेती हूँ विदा इंशाल्लाह, मिलती हूँ आप सभी से मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामा।